तो गाइस अब हम लोग होटल से निकल चुके हैं। अरे धूप बहुत है लेकिन आज अपनी गाड़ी उसमें आज चलेंगे। ओके गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं जल महल, दिखाएंगे अभी आपको। ये पीछे जल महल है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है अभी। ये अलग अलग राजस्थानी जो कल्चर है उसके अंदर बंदे फोटो क्लिक करवा रहे हैं, अटायर कल्चर भी मतलब एक ही बात है। ये हमारे गोरे लोग, दे आर वेरी हैप्पी कमिंग हियर। देखिए पीछा, ये हमारा बात करने वाला है ना, कौन ये यहाँ की लैंग्वेज अंधो कर रहे हैं। वी डोंट नो व्हाट आर दे सेइंग, बट दे आर सेइंग समथिंग दैट आई थिंक दे आर सेइंग गुड, दे आर सेइंग दैट वी आर लुकिंग डोप। तो ये शायद हमने अपने लिए ज्यादा ही अच्छा सोचा, क्या पता वो हमारे को बंगाली बोल रहे हैं। ओके सो गाइस, वी आर गोइंग टू गिव यू अ क्लोज लुक विद आवर कैमरा प्रोफेशनल्स। हमारे पास बंदे हैं यहाँ पे कुछ। जल महल के पीछे एक थ्योरी है कि ये पानी के बिल्कुल बीचों बीच बना है, और शायद से थोड़ा हॉन्टेड भी बताते हैं इसको लोग, कुछ लोग बताते हैं। मतलब ये अलग ही थ्योरी है, ये इसका कुछ एंट्री बंद हो चुकी है, एंट्री यहाँ पे नहीं होती, कोई नहीं जाता, कुछ नहीं होता। ये धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, मतलब श्रिंक इन द सेंस ड्राउन, मतलब डूब रहा है, धीरे धीरे डूब रहा है ये। इसकी काफ़ी लेवल कम था पानी का, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, पानी बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, वी डोंट नो दैट। बाकी ये थोड़ा सा अबिट क्लोज लुक यहाँ से क्लियर, वो बीच में जल महल है। अच्छे खासे गाड़ी में सुंदर सन के उतरे थे और हमारा बुरता बन गया था गाड़ी से निकलते वक्त। भांगड़ के हमारे एक फोटो ढंग की नहीं आई, मतलब चोर लग रहे थे हम सारे के सारे। जस्टिस भाई ही इज अ बिट नाराज, इसको कुछ किसी ने कह दिया यहाँ पे, लड़की ताड़ रहा था, डांट दिया भाई ने आके, हमने पूरा सपोर्ट दिया इसको। वैसे कह रहा मुझे भी लड़कियों वाला अटायर पहनना है राजस्थान वाला, सब कह रहे थे हम अब लड़के पहनते हैं। ये अलग से गया कि मुझे लहंगा चुनी चोला जो भी होता है वो पहनना है, तो इसे झड़का दिया, मारने नहीं दी, मार नहीं पड़ने दी, हम बैक में लेके खड़े रहे, लेकिन गालियों से नहीं बचा, गालियों से नहीं बचा पाए। फिजिकल असॉल्ट हमने इसका रोक दिया, लेकिन क्या बोलते हैं जो शब्दों के जो बाण होते हैं उसके। अब हम लोग आ गए हैं WTP मॉल में, तो देखते हैं क्या करना है आगे। पहले अभी हम अभी मॉल में भूख लगी हुई, तो शायद हम फूड कोर्ट में जाके अभी कुछ खाएंगे। अभी यार पहले खाएंगे ही, उसके बाद देखेंगे आगे का ब्लॉग, उसके बाद कंटिन्यू एडवेंचरस करेंगे। हमारी गुड मॉर्निंग अभी से शुरू हुई है। तो अभी हमने खाना पीना कर लिया है और अब आए हम मस्ती करने कुछ, तो मस्ती जोन आपको दिख रहा है यहाँ पे, अभी हम करेंगे गेमिंग।
हरकिशन हट जाइयो और ये निशाना तान तो है काले चश्मे के साथ। आई नहीं दिए तो अरे कौन से वाले में मारेगा साहू, कहाँ लगा ये? ओह रिजल्ट आया और ये देखो कहाँ लगा, बिल्कुल निशाने के बीचों बीच तो नहीं, थोड़ा सा बाहर। अब देखते हैं बड़े भाई ने तो कमाल करके दिखाया, छोटा भाई क्या करता है। ये छोटा भाई का देखें क्या निशाना लगता है। और ये अभी रिजल्ट आएगा इनका, ये कभी एडब्ल्यू उठा मत लियो ठीक है। ये तो सर्कल से भी बाहर ही था, बाहर गया। ये देखिए ना इनसे यूट्यूब में तीर लगा ना यहाँ निशाना लगा। आपने तीर में तो मेरा जलवा देख लिया है। ये उठाई भी नहीं जा रही, मैं इस वाले को मार दूंगा भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो निशाना चलेगी। अरे ट्रिगर दबाना, मुझे तो लग रहा है सेंटर में लगा है। देखते हैं पता नहीं क्या मारा है इन्होंने। रिजल्ट थोड़ा लंबा है मेरा, लगा ही नहीं। ये तो कॉलेज से ही बाहर है। ओए यार लगा था, मिला भी था। ये तो कॉलेज से ही बाहर है। क्या कहना चाहेंगे आप इस अपने इस अद्भुत परफॉर्मेंस पे? ये सब मोदी जी की गलती है जी। ये मोदी जी ने किया है, ये सब मोदी जी ने किया है। ये राइफल काम के लिए है, ये राइफल किया वन नंबर वन। भैया हेलमेट नहीं लगाओगे क्या? गाड़ी में हेलमेट कौन सा चाहिए भाई? अरे हाँ ये तो गाड़ी है। भैया अड्डा किसको अब बैटर चलानी आती है गाड़ी, यहाँ से सब पता चल जाएगा। थर्टीन था है हरकिशन और अजय आया है 12 और ये 13। अजय हरकिशन से तो जीत गया लेकिन वैसे 12 आया। और ये बिन पेट्रोल। कैसे लड़खड़ा रहे थे, दारू पी है देखा। ओ भाई हिल रहे हैं। लाइक कर दो वीडियो को।